हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जीनत। तो आज मैंने बनाए हैं चावल ऐसे ही सरसों के तेल से, और प्याज और जीरे से मैंने छोक दिए थे चावल को, बघार लगा दिया था मैंने चावलों में। तो मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट रायता। तो मैं बनाऊँगी सैलेड का रायता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए आपके, वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं इस रायते को, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन आइडिया है, बहुत जल्दी से बन जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ आप बनाएं और ट्राई करो और अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे। तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। अब मैंने काट करके फ्रिज में, छील करके फ्रिज में रख दिया था, और इससे ना झड़प नहीं लगती आँखों में बिल्कुल भी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं, अपना फीडबैक दें कि किस लगी है आपको झड़प या नहीं लगी, क्योंकि आपको पता ही है प्याज काटते हुए हमारे कितनी लेडीज़ के आंसू आते हैं। जेंट्स भी प्याज काटते हैं, उनके तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं होती है प्याज काटने की, बट इससे बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं क्योंकि नई नई प्याज चल रही है आजकल, और ये तो और ज़्यादा झड़पीली होती है। तो आप जब भी प्याज को काटें तो छील करके इसको फ्रिज में रख दें, और अगर इस तरह आपके पास टाइम ना हो तो आप जित सारे प्याजों को छील करके और उन्हें ठंडे पानी से धो दें, तो उससे भी झड़प बिल्कुल कम हो जाएगी। तो चलिए फिर आते हैं रेसिपी पर। तो मैंने यहाँ पर दोनों प्याजों को अपने कट कर लिया है। तो मैंने लंबी स्लाइसेस में कट किया है क्योंकि प्याज ना ज़्यादा बड़ी थी ना छोटी थी, मीडियम साइज़ थी, तो ऐसे कट चल जाएगा। तो मुझे वैसे भी, तो मैं यहाँ पर प्याज़ों को कट करने के बाद, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को जल्दी से देख लें। प्लीज़ आप देख करके लाइक भी नहीं करते वीडियो और सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है मेरे चैनल को, तो काफ़ी लोगों ने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे बहुत खुशी मिलती है आपके एक लाइक से। तो प्लीज़ मुझे, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो आपने इस तरीके का, काफ़ी तरीके के आपने रायते खाए होंगे, जैसे लौकिया का, बूंदी का और घिया का और बथुए का, इस तरीके के रायते आपने खाए होंगे। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत जल्दी बन और काफ़ी हेल्दी भी होता है ये रायता, और टेस्टी भी बहुत बनता है। तो ये ज़्यादातर लोग रायता खाते हैं चावलों के, बिरयानी के साथ, तो आप सादा चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो जब भी मेरे यहाँ बिरयानी बनती है तो मैं इस रायते को ज़रूर बनाती हूँ, और साथ में चटनी भी पीस बनाती हूँ मैं। तो यहाँ मेरे टमाटर कट हो गए हैं बिल्कुल लगभग, तो जब भी आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे, आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे कि आपको ये कैसा लगा रहा था। तो मेरे टमाटर बिल्कुल कट हो गए हैं, तो मैं आप ले लूँगी एक बाउल, तो उसमें मैं डाल दूँगी दही को। तो दही मेरा तो लगभग एक बड़ा चमचा, दो चमचे भर के होगा मेरा दही इतना, दो चमचे, तो मैं डायरेक्ट मैंने डाल दिया, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी इस वजह से। तो ये मेरा दो चमचे बड़े वाले दही होगा। तो अगर आपके भी जैसे दही घर में हो और कम पड़ जाए, तो ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि मैंने टमाटर और प्याज ज़्यादा काट ली थी, क्योंकि हो भी नहीं पाता अगर मैं इतने ही दही में बनाती रहता, नहीं हो पाता। तो अगर आपके पास गरम दूध रखा हो तो आप इसमें गरम दूध भी डाल सकते हैं, मतलब गरम हो, करा हुआ दूध, वो हो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, मतलब सही हो, ठंडा हो। और ये मेरा दूध रखा हुआ था फ्रिज में कच्चा, तो मैंने इसी को जल्दी में ऐड कर दिया ताकि मेरा थोड़ा रायता ज़्यादा बन जाए, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, पानी से अलग ही टेस्ट हो जाता है रायते का, बिगड़ जाता है टेस्ट। तो इस वजह से मैं इसमें डालती हूँ, कम हो तो मैं थोड़ा दूध को ही ऐड करती हूँ, गर्म ही हो या कच्चा हो। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने कटे हुए सब्जियों को, टमाटर को और प्याज को, दोनों को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ जीरा, तो छोटी वाली चम्मच भर के भुना हुआ जीरा डाल दूँगी मैं इसके अंदर। ये देखें,
ये काफ़ी भुने हुए जीरे का तो वैसे ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, क्योंकि मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक, प्लेन नमक, और फिर इसमें डाल दी है मैंने रेड चिल्ली पाउडर, मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, और मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला भर के। तो अब मैं इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। बस मुझे इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं डालना है। और ये देखिए हमारा झटपट से बिल्कुल रायता बन के तैयार हो गया है। बस मुझे इतने ही टाइम लगा था सब्जियां काटने में, बस वो जो मैंने टमाटर और प्याज काटे थे ना, बस इसमें ही इतना ही मुझे टाइम लगा था। और ये देखिए मेरा कितना अच्छा रायता बन के तैयार हुआ है। अब मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं चावल, कटोरी में निकाल लिया अपना रायता। अब मैं इसको अपने हस्बैंड को दे दूँगी जा कर के। यहाँ मेरे बच्चे खा रहे हैं खाना, तो ये बड़े मज़े से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का। टेक केयर एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं।